नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी विपक्षी एकता के हुंकार की, राहुल गांधी के मोदी सरकार पर निशाने की, बात करेंगे बीजेपी उम्मीदवारों को हार के हो रहे एहसास की, चुनाव से पहले एनडीए में पड़ी फूट की, जानेंगे दिल्ली चलो के ऐलान को लेकर क्या है किसानों का आगे का प्लान, और बुलेटिन के आखिरी में यूपी में एक और भर्ती परीक्षा के रद्द होने की, इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हिमाचल में बागी कांग्रेसियों पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनाया सख्त रुख, कहा बागियों को नहीं मनाएंगे हम, वीरभद्र गुट को साधने की रणनीति की तैयार। टिकट कटने से बीजेपी सांसदों में दिख रहा है गुस्सा, पूर्व मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लिया राजनीति से संन्यास, कहा अब क्लिनिक संभालूंगा। शहबाज शरीफ चुने गए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पीएमएल एन और पीपी के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में संसद में जीता बहुमत, सोमवार को लेंगे पीएम पद की शपथ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को लेकर सरकार ने जारी की गाइडलाइन, एआई जनरेटेड कंटेंट की पहचान के लिए की जाएगी लेबलिंग, भ्रामक और डीप फेक पर लगेगी लगाम, एआई मॉडल लॉन्च करने से पहले लेनी होगी सरकार की इजाजत। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पटना में महागठबंधन की जनविश्वास महारैली हुई। इस रैली में उमड़ी भीड़ ने एनडीए के होश उड़ा दिए हैं। मंच पर जुटे महागठबंधन के नेताओं ने एक ही सुर में आवाज उठाई कि केंद्र में बदलाव का समय आ गया है। भीड़ देख जहां महागठबंधन के नेता गदगद दिखाई दे रहे थे, तो वहीं एनडीए नेताओं की बेचैनी बढ़ गई। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार का गांधी मैदान आज पूरा खचाखच भरा हुआ था। सत्ता परिवर्तन के गवाह रहे गांधी मैदान से आज एक बार फिर सत्ता बदलने की आहट सुनाई दी है। महागठबंधन की जनविश्वास महारैली में मौजूद तमाम दलों के दिग्गज नेताओं ने एकजुट होकर केंद्र की सत्ता बदलने का दावा किया है। रैली में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने कहा कि पीएम मोदी आजकल परिवारवाद का जिक्र कर रहे हैं। आपके पास परिवार नहीं है, आप हिंदू भी नहीं है। पीएम ने तो अपनी माँ की जान जाने पर हिंदू धर्म के अनुसार काम भी नहीं किए। नीतीश पर निशाना साधते हुए लालू ने कहा कि सरकार में कोई गलत काम नहीं हुआ है, नीतीश कुमार को पता नहीं क्या लगा, अब फिर इधर लौट कर आने की हिम्मत करेंगे तो उन्हें घुसने नहीं देंगे, धक्का देकर बाहर कर देंगे। तेजस्वी से गलती हुई जो नीतीश के साथ में ले लिया। इससे पहले रैली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में विचारधारा की लड़ाई है और बिहार से ही बदलाव शुरू होता है। हमारी लड़ाई लोकतंत्र बचाने की है और बीजेपी आरएसएस के खिलाफ है। एक तरफ नफरत, हिंसा और अहंकार है तो दूसरी तरफ प्यार, सम्मान और भाईचारा है। इंडिया अलायंस को एक वाक्य में समझा जा सकता है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। नफरत की सबसे बड़ी वजह अन्याय है। तेजस्वी यादव ने कहा कि आजादी के बाद जितना रोजगार 17 महीने में महागठबंधन सरकार ने दिया, उतना कभी किसी सरकार ने नहीं दिया। काम हम लोगों ने किया, लेकिन आजकल विज्ञापन नीतीश कुमार अपने दे रहे हैं। तेजस्वी ने पीएम मोदी से सवाल किया है कि क्या वो नीतीश की गारंटी ले सकते हैं कि वो पलटेंगे नहीं। रैली में सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को केंद्र से हटाना है। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं, बिहार में 40 सीटें हैं, इन सभी 120 सीटों पर बीजेपी को हराना है। बीजेपी अपने आप केंद्र की सत्ता से चली जाएगी। उन्होंने नारा भी दिया, 120 हटाओ देश को बचाओ। पटना में महागठबंधन की रैली से बीजेपी परेशान दिख रही है, तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस परेशानी को और भी ज्यादा बढ़ा रही है। यात्रा आज एमपी के ग्वालियर से चलकर शिवपुरी पहुंची। इस दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी को अपने निशाने पर ले लिया, मोदी की गारंटी को भ्रष्टाचार की गारंटी करार दे दिया। तो क्या कहा राहुल ने, देखिए ये रिपोर्ट। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार के दावों की पोल खोल रहे हैं। आज उन्होंने ग्वालियर में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने सत्ता के लिए लोगों से बड़े बड़े वादे किए थे, हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज की यात्रा का सपना दिखाया था, लेकिन आज गरीबों की सवारी रेलवे को भी उनसे दूर कर दिया गया है। रेल किराए में जबरदस्त बढ़ोतरी की गई है। राहुल ने कहा कि हर साल 10% बढ़ता किराया, डायनामिक फेयर के नाम पर लूट,
बढ़ते कैंसिलेशन चार्जेस और महंगे प्लेटफॉर्म टिकट के बीच लोगों को एक ऐसी एलीट ट्रेन की तस्वीर दिखाकर बहलाया जा रहा है जिस पर गरीब पाँव तक नहीं रख सकता। वरिष्ठ नागरिकों तक से उन्हें मिलने वाली छूट छीनकर पिछले 3 वर्षों में सरकार उनसे 3,700 करोड़ की वसूली कर चुकी है। रेलवे के विकास के नाम पर उनका निजीकरण किया जा रहा है। हर चीज चंद उद्योगपतियों को बेची जा रही है। रेलवे को आम आदमी से दूर किया जा रहा है। आगे राहुल ने कहा कि प्रचार के लिए चुनी गई ट्रेन के लिए आम आदमी की ट्रेनों को जहां तहां खड़ा कर दिया जाता है। गरीब और मध्यम वर्गीय यात्री रेलवे की प्राथमिकता से बाहर कर दिए गए हैं। एसी डिब्बों की संख्या बढ़ाने के लिए जनरल डिब्बों की संख्या कम की जा रही है, जिसमें मजदूर और किसान ही नहीं छात्र और नौकरी पेशा भी यात्रा करते हैं। सामान्य डिब्बों के मुकाबले एसी डिब्बों का निर्माण भी 3 गुना कर दिया गया है। राहुल ने कहा कि पहले रेल बजट को अलग से पेश किया जाता था, लेकिन मोदी सरकार ने रेल बजट को अलग से पेश करने की परंपरा खत्म कर दिया। ये इन्हीं कारनामों को छिपाने की साजिश थी। सिर्फ अमीरों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही रेलवे की नीतियाँ रेल पर निर्भर भारत की 80% आबादी के साथ धोखा है। मोदी पर भरोसा विश्वासघात की गारंटी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से बीजेपी को झटके लग रहे हैं, उसे हार का डर लग रहा है। बीजेपी को झटके विपक्षी दल ही नहीं दे रहे बल्कि उसके अपने भी दे रहे हैं। पार्टी ने 195 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था, लेकिन अब जिन्हें पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है वो टिकट वापस लौटा रहे हैं क्योंकि हार तय दिख रही है। बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा और गौतम गंभीर ने पहले ही बीजेपी की टिकट को लेने से मना कर दिया था। पार्टी से साफ कह दिया था कि उनके नाम पर विचार नहीं किया जाए। इसके बाद पार्टी को नए उम्मीदवार तलाशने पड़े। बीजेपी ने शनिवार को 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। टिकट वितरण के बाद कई जगह बगावत की स्थिति दिख रही है। कार्यकर्ता उम्मीदवार को कमजोर मान रहे हैं, लेकिन पार्टी की सबसे बड़ी चिंता ये है कि जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया है वो चुनाव लड़ने को अब तैयार नहीं दिख रहे हैं। पार्टी की टिकट को वापस करने का दौर अब शुरू हो गया है और इसकी शुरुआत हुई है भोजपुरी कलाकार पवन सिंह से। पवन सिंह को बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर इस समय टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा सांसद हैं। बीजेपी ने एक्टर के सामने एक्टर को लड़ाने का प्लान बनाया था, लेकिन पवन सिंह ने बीजेपी का टिकट लेने से इनकार कर दिया है। इसे लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है। पवन सिंह के ऐलान के बाद बीजेपी हाईकमान बैकफुट पर आ गया है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पवन सिंह को मिलने के लिए बुलाया है, लेकिन पवन सिंह के तेवरों से साफ है कि वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। पवन सिंह के इस पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने उन पर चुटकी ली है। अभिषेक बनर्जी ने लिखा कि पश्चिम बंगाल के लोगों की अदम्य भावना और ताकत। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि 3 से 4 और उम्मीदवार बीजेपी का टिकट वापस करने की तैयारी में हैं। अखिलेश यादव ने भी बीजेपी उम्मीदवारों की सूची को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जहां जीत की थोड़ी सी संभावना है वहां बीजेपी ने उम्मीदवार उतार दिए हैं, बाकी की सीट पर तो हार तय है और इसे बीजेपी ने खुद स्वीकार कर लिया है। बीजेपी नेताओं ने पार्टी की पोल खोल दी है, बता दिया है कि बीजेपी की हालत पूरे देश में कमजोर है। उम्मीदवार टिकट वापस कर रहे हैं, बीजेपी का उसके अपने ही साथ छोड़ रहे हैं, तो सहयोगी भी साथ छोड़ने की अब तैयारी कर रहे हैं और इसका एहसास पीएम मोदी को भी हो गया है, जब उनकी रैली का एनडीए के सहयोगियों ने ही बहिष्कार कर दिया। एनडीए में बड़ी फूट पड़ गई है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब, यूपी के बाद अब बिहार में बीजेपी को जोरदार झटका लगा है। गठबंधन के 2 प्रमुख सहयोगियों की तरफ से एनडीए छोड़ने के संकेत मिल रहे हैं। इसकी एक वानगी पीएम मोदी की बिहार में हुई रैली में देखने को मिली। शनिवार को पीएम मोदी ने औरंगाबाद और बेगूसराय में रैली की थी। इस रैली में सीएम नीतीश कुमार तो शामिल हुए, लेकिन चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा ने इससे दूरी बना ली। चिराग तो खुलकर बोल रहे हैं कि उनके नीतीश कुमार के मतभेद अभी तक समाप्त नहीं हुए हैं और ये मतभेद अब पीएम मोदी के बिहार दौरे पर भी सामने आ गए। पीएम की रैली से चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा ने दूरी बना ली। दोनों ही नेता ना तो रैली में शामिल हुए और ना ही पीएम की रैली से जुड़ा कोई फोटो या वीडियो ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। चिराग पासवान को लेकर तो यहां तक दावा किया जा रहा है
कि वो महागठबंधन में जा सकते हैं, क्योंकि नीतीश के साथ ही उनका विवाद अपने चाचा पशुपति पारस के साथ भी चल रहा है। चिराग ने हाजीपुर सीट पर दावा ठोक रखा है और बीजेपी हाईकमान से साफ कह दिया है कि पहले सीट का विवाद समाप्त किया जाए, उसके बाद ही आगे बढ़ा जाएगा। दूसरी ओर पशुपति पारस, जो हाजीपुर से सांसद है, वो ये सीट छोड़ने को तैयार नहीं है, जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि बिहार में एनडीए के दो सहयोगी अब एनडीए छोड़ने का मन बना चुके हैं। चिराग पासवान खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताते रहे हैं, लेकिन अब उनकी ओर से साफ संकेत है कि चिराग बगावत को तैयार है। बीजेपी का हर दांव इस समय उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। पार्टी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जल्द जारी करने की रणनीति तैयार की थी, लेकिन ये भी उस पर भारी पड़ती दिख रही है। विपक्ष ने उसे घेर लिया, तो कैसे कमजोर पड़ती दिख रही है बीजेपी, देखिए ये रिपोर्ट। भाजपा ने लोकसभा चुनावों के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर 195 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश से 51 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बीजेपी की लिस्ट पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा है। अखिलेश ने कहा कि पहली सूची में ही बीजेपी ने अपनी हार मान ली है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, बीजेपी की लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची बता रही है कि प्रथम दृष्टया जिन सीटों पर भाजपा के जीतने की थोड़ी सी भी संभावना है, केवल उन 195 सीटों पर ही ये सूची आई है। इसका मतलब साफ है कि बाकी पर भाजपा साफ है, भाजपा ने अपनी हार मान ली है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि पहली सूची में ही भाजपा ने अपनी हार मान ली है, वो बगावत की संभावना से डर गए हैं, इसीलिए पुराने लोगों को ही टिकट दे रही है। जिन लोगों ने क्षेत्र में कोई काम नहीं कराया, पूरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, जिनको टिकट मिलने की उम्मीद नहीं थी, जो बोरिया बिस्तर बांध कर निकलना चाहते थे, बीजेपी ने उन्हें दोबारा दबाव बनाकर लड़ने के लिए कहा है। ये अनमने लोग क्या विपक्ष का सामना करेंगे। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच भी इस सूची के आने से गहरी हताशा है, क्योंकि वो जनता के बीच अपने अधिकांश सांसदों के खिलाफ चल रही हवा से वाकिफ हैं। जो युवा भाजपाई टिकट की उम्मीद में बीजेपी के हर गलत काम में साथ दे रहे थे, वो भी निराश होकर निष्क्रिय हो जाएंगे। बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची बीजेपी की ना उम्मीदगी की घोषणा है। बीजेपी की घेराबंदी में विपक्ष तो पहले से ही लगा हुआ है, और अब किसानों ने भी बीजेपी और मोदी सरकार को बुरी तरह से घेर लिया है। किसानों ने साफ कर दिया है कि ना तो वो अपनी मांगों से पीछे हटेंगे और ना ही दिल्ली चलो ऐलान को वापस लेंगे। और क्या कहा किसान ने, देखिए ये रिपोर्ट। पंजाब और हरियाणा की सीमाओं पर आंदोलनकारी किसान डटे हुए हैं। किसान दिल्ली चलो का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन हरियाणा सरकार ने खनौरी और शंभू बॉर्डर पर बैरिकेड्स के साथ ही सड़क पर कील कांटे लगाकर किसानों को आगे बढ़ने से रोक दिया है। किसानों ने इसके बावजूद भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो ड्रोन की मदद से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, गोलियां चलाई गईं, जिस कारण से किसान आगे नहीं बढ़ पाए हैं। इस टकराव के चलते अब तक 7 लोगों की जान भी जा चुकी है। इस बीच किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि हम किसान हैं, लेकिन फिर भी पुलिस हम पर शेलिंग कर रही है, हमारा दिल्ली जाने का प्रयोग अभी टला नहीं है, ऐसे में हम दिल्ली जरूर जाएंगे। मांगे नहीं मानी गई तो पूरे देश से किसानों को अपने इस आंदोलन में आने के लिए कहेंगे। उन्होंने कहा कि किसान 10 मार्च को सुबह 12 बजे से शाम 4 बजे तक पूरे देश में रेल रोको आंदोलन करेगा। इस बीच किसान 14 मार्च को दिल्ली में किसान महापंचायत का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। इस महापंचायत में 400 से ज्यादा किसान संघ हिस्सा लेंगे। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा यानी कि SKM की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें सभी किसान संघों और संगठनों के बीच मुद्दा आधारित एकता की अपील की गई है। किसानों की मांग है कि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, किसानों और कृषि मजदूरों के लिए पेंशन दी जाए, कृषि कर्ज को माफ किया जाए। इसके साथ ही आंदोलनकारी किसानों पर दर्ज पुलिस केस भी
वापस लिए जाएं। और बुलेटिन के आखिरी में बात यूपी में एक और परीक्षा के रद्द होने की। यूपी पुलिस भर्ती का पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। सीएम योगी ने दावा किया था कि पेपर लीक करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन पेपर लीक करने वालों पर योगी की चेतावनी का कोई असर नहीं दिख रहा है, जिस कारण एक बार फिर सरकार को परीक्षा रद्द करनी पड़ी है और इसे लेकर विपक्ष ने योगी सरकार को घेर लिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। यूपी पुलिस भर्ती का परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद सीएम योगी ने इसे रद्द कर दिया था और अब पेपर लीक की वजह से यूपी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती परीक्षा रद्द करनी पड़ी, जिसके बाद विपक्ष ने योगी सरकार को घेर लिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, छात्रों के विरोध के बाद अब उत्तर प्रदेश में आरओ और एआरओ की परीक्षा भी रद्द हो गई है, जिसका कुछ महीने में रिजल्ट आना था। अब उस परीक्षा की प्रक्रिया फिर से शुरू होगी। क्या पेपर लीक को उत्तर प्रदेश के युवाओं की नियति बना दिया गया है? वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा हटाओ नौकरी पाओ। उन्होंने पोस्ट किया, आरओ एआरओ परीक्षा का रद्द होना बताता है कि भाजपा पहले हर संभव कोशिश करती है अपनी नाकामी को छिपाने की, लेकिन जब जनता का दबाव पड़ता है तो चुनावी हार के डर से पीछे हटती है। भाजपा हटाओ नौकरी पाओ। बता दें कि अभ्यर्थी परीक्षा के बाद से ही सोशल मीडिया पर पेपर लीक का दावा कर रहे थे और परीक्षा रद्द कर री एग्जाम की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा और अब आरओ और एआरओ भर्ती परीक्षा रद्द करनी पड़ी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।